हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। विजवासी बहन फ्रॉम मथुरा में आपका स्वागत है। मैं हूँ सीमा पांडे। आज मैं स्पेशल डिश की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और मैं आज समोसे बनाऊंगी। समोसे भी मेट समोसे बनाऊंगी। ये सबको अच्छे लगते हैं और आप इनको पहले बना के रख सकते हैं। आपका जब मन आए, तब गेस्ट आए तो आप सर्व कर सकते हैं। तो मैं आज मेट समोसे बनाऊंगी। आज हम मेट समोसा बनाएंगे। मेट समोसा देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही आकर्षित लगते हैं। तो मेट समोसा बनाने के लिए मैंने मैदा लिया, ये करीब 250 ग्राम मैदा है, और दो बड़े आलू लिए हैं स्टफिंग के लिए, दो हरी मिर्च ली है, थोड़ा सा धनिया लिया है जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है, और दो बड़े चम्मच ऑयल है, ये रिफाइंड ऑयल है, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। ये एक चम्मच नमक है, स्वाद अनुसार आप कम ज्यादा कर सकते हैं। ये आधा चम्मच जीरा है और आधा चम्मच मैंने अजवाइन ली है। अजवाइन को मैं मैदा में मिलाऊंगी। और ये कुछ मसाले हैं, ये लाल मिर्च है, ये गरम मसाला है, और आधा चम्मच अमचूर पाउडर है। समोसों को तलने के लिए हमने रिफाइंड तेल लिया है, ये थोड़ा मात्रा में ज्यादा लेना है हमें। सबसे पहले हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, मैंने बड़ा बाउल लिया है, और इसमें मैं इस मैदा को मिला लूंगी। और मैदा में अजवाइन और आधा चम्मच करीब नमक मिलाऊंगी मैं इसमें, और ये रिफाइंड है, पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी उसके, और इसमें ये रिफाइंड ऑयल मिलाऊंगी और इसको अच्छे से पहले मिक्स करेंगे, उसके बाद हम पानी मिलाएंगे। मैंने ऑयल को अच्छी तरह मिला लिया है, और देखिए तेल की क्वांटिटी इस तरीके से रहनी चाहिए कि हमारा आटा इस तरीके से बिना पानी के बाइंड होना चाहिए, तभी हमारे समोसे अच्छे बनेंगे। अभी मैंने पानी इसमें नहीं डाला है और बिना पानी के इस तरीके से रहना चाहिए। देखिए इसका कुछ येलो इस कलर भी आ गया है। अब इसमें पानी डालूंगी और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ही हम इसको गूथेंगे। समोसे का आटा हमको एकदम से सख्त लगाना है और पानी को थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, एक साथ पानी नहीं डालेंगे। हमारा एकदम से सख्त आटा मढ़ करके तैयार हो गया है। अब हम इसे आधा घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, और हल्का सा हमने गीला कपड़ा कर लिया है थोड़ा सा, उससे इसको ढक करके रख देंगे। जब तक हमारा आटा रेस्ट पर रखा हुआ है, तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं समोसे की। और मैंने एक कढ़ाई ली है, गैस भी ऑन कर दी है, और मेरी कढ़ाई भी गर्म हो गई है। मैं इसमें ऑयल डालती हूँ, मैंने एक छोटी चम्मच ऑयल लिया है। तेल गर्म हो गया है, मैं इसमें जीरा डाल देती हूँ, हरी मिर्च डाल देती हूँ, और ये अदरक, अदरक का मैंने अदरक को घिस लिया है, आप पेस्ट भी ले सकते हैं अदरक का। और ये सामग्री में बताना रह गया था, आप डालना चाहो तो डालें, इससे बड़ा अच्छा खुशबू और टेस्ट दोनों ही आते हैं। ये मटर है, ये ऑप्शनल है, और ये पनीर के टुकड़े थोड़े से, ये भी ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो डालें और नहीं तो अवॉइड कर दें। मसालों को डाल देती हूँ, ये लाल मिर्च है, गरम मसाला, और ये अमचूर पाउडर है, इसको भी मिला लेती हूँ। जरा सा भूनने के बाद मैं इसमें आलू मिलाऊंगी। आलू को मैंने मैश कर लिया है। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे और धीमी आंच पर इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच नमक भी मिला लेती हूँ। हमारी स्टफिंग तैयार हो गई, मिला लेती हूँ, और अच्छे से मिलाने के बाद गैस को बंद कर देते हैं। गैस को बंद कर रही हूँ, करीब आधा घंटा हो गया है। अब आटे को चेक कर लेते हैं, हमारा आटा भी सेट हो गया है। देखिए अब हम इसके
मैट समोसे बनाते हैं। मैट समोसे बनने में भी अच्छे लगते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं, बहुत ही आकर्षित लगते हैं। आप इस तरीके से मैट समोसे जरूर बनाइए। अब मैं इसकी लोई ले लेती हूँ, इस तरीके से इसकी लोई बना लेते हैं। और जब तक इस आटे को भी हम ढक देते हैं। अब हम इसको बेल लेते हैं, हमें थोड़ा ऐसे बड़ा ही बेलना है, चुकी है पूरी। अब हम इसके जो पार्ट है ये इसको हटा देंगे और एक चौकोर पार्ट हम ले लेंगे इस तरीके से, इनको भी हटा देंगे। और ये जो पार्ट बना है चौकोर, इसके हम दो पार्ट कर लेंगे इक्वल साइज में इस तरीके से। देखिए पार्ट को रख के और दूसरे पार्ट को इस तरीके से ऊपर रखेंगे, फिर हम इस पर स्टफिंग रखेंगे इस तरीके से। हम अच्छे से स्टफिंग कर देंगे और इस तरीके से ग्रीसिंग भी कर देंगे, पानी से पानी लगा देंगे इस तरीके से चारों तरफ। और इस वाले पार्ट को हम इस तरफ ले जा करके इस तरह पानी से जो लगाया हुआ है उससे चिपका देंगे अच्छी तरह से। और इस वाले पार्ट को ले जा करके हम इस तरीके से इधर चिपका देंगे। अब हमारे दो पार्ट बचे हैं, देखिए ये। अब हम चाकू की सहायता से इस वाले पार्ट के दोनों पार्टों के स्ट्रिप्स काटेंगे इस तरीके से पतली पतली। इधर भी इसी तरीके से काट लेंगे। अब हम एक स्ट्रिप्स इसकी और एक इसकी लेकर के हम इस तरीके से इधर लगाते जाएंगे। इधर थोड़ा सा पानी लगा देंगे और इस तरीके से लगा चिपका देंगे इसको। और इस तरह भी इसको इस तरीके से लेकर के इधर भी हम पानी से लगा देंगे। हम दूसरी स्ट्रिप्स को लेंगे और इस तरीके से करेंगे, एक इसकी और अब एक इसकी, तो ये मैट का आकार बन जाएगा इस तरीके से। थोड़ा पानी लगा देंगे जिससे अच्छे से चिपकी रहे। एक इसकी लेंगे इसी तरीके से, इस तरीके से इसको लगा देंगे। हमारी एक और बची है, इसको भी इस तरीके से मैट का आकार दे करके देखिए हमारा इस तरीके से, देखिए हमारा मैट का आकार बिल्कुल बन गया है, बहुत ही अच्छा बना है। इसी तरीके से हम और भी बना लेंगे समोसे, इस तरीके से बना करके रखते जाएंगे और दूसरा भी बना लेते हैं। दूसरा भी हम मैट समोसा बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। इसको भी अच्छी तरह से बेल लेती हूँ पहले। इसकी भी हम बड़ी सी पूड़ी बना लेंगे, इसी तरीके से साइड को काट देंगे। इसको एकदम से इक्वल साइज में बना कर लेंगे। इसके भी हम दो पार्ट कर लेंगे बिल्कुल उसी तरीके से दोनों पार्टों को ऐसे रख लेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी स्टफिंग करते हैं। और दोनों साइड पानी लगा करके चारों साइड इस तरीके से अच्छे से पानी लगाएंगे जिससे हमारा मैट समोसा खुलेगा नहीं। और इसको अच्छे से इस तरीके से चिपका देंगे और दूसरे पार्ट को भी इसको भी ले जा करके इस तरीके से अच्छे से लगा देंगे।
उसी तरीके से हम अब इनके स्ट्रिप्स करेंगे, इसी तरीके से स्ट्रिप्स कर लेंगे और इसको इस तरीके से लेकर के इधर चिपकाएंगे और एक इसमें से लेकर के इस साइड ले जाएंगे, अच्छे से दबाते जाएंगे और पूरा मैट की तरह से इसका आकार देंगे, जैसे मैट होती है एक पहले ऊपर एक नीचे, देखिए इस तरीके से। थोड़ा कठिन नहीं है, थोड़ा सा केयरफुली बस इसको करते रहना है, मैट बनाना है। इसमें बड़ा इंटरेस्ट भी आता है, अच्छी भी लगती है, बनने के बाद तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। आप मैट समोसों को बना करके रख सक आप मैट समोसों को बना करके रख सकते हैं पहले ही, और जब भी आपके गेस्ट आने वाले हों आप उनको बना करके सर्व कर सकते हैं, और किटी पार्टी हो या छोटी मोटी कोई पार्टी हो आप इस तरीके से बना करके रख लीजिए। इस तरीके से हमने मैट समोसे बना लिए, अब हम इनको फ्राई करेंगे। हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है और हमारा तेल भी गर्म होने लगा है, चेक कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा आटा डाल करके, बबल्स आ रहा है, हमारा तेल गर्म हो गया है। अब हम समोसों को सेकेंगे, समोसों को धीमी आंच पर ही सेकेंगे जिससे हमारे समोसे अंदर तक सिक जाए। अब मैं एक एक करके इनको डाल देती हूँ। इसी तरीके से दोनों साइड से सेक लेंगे और इस तरीके से पलट करके भी सेक लेंगे। हमें धीमी आंच पे ही सेकना है। समोसे सेक गए और इनको सेकने में करीब 10 से 12 मिनट लगे हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। इसी तरीके से इसको भी निकाल लूंगी। तरीके से हमारे मैट समोसे बन करके तैयार हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं आप देखिए। और इस तरीके से बनाना भी बहुत सरल है, तो आप इस तरीके से मैट समोसे बनाइए, खाइए और सर्व कीजिए। अपने अनुभव मेरे चैनल ब्रजवासी व्यंजन में शेयर कीजिए। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।